राजू भैया, आजकल जेल में परफेक्ट खाना नहीं मिलता। सरकार की तरफ से राशन का जितना कोटा आता है उसमें से भी आधा जेलर और उसके साथी मिलकर बेच देते हैं। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग हमें बहुत मारते हैं। राजू भैया ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आज से भरपेट खाना ही नहीं मटन चिकन भी मिलेगा। ये दो नंबरी का वादा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजू भैया सबको फोड़ डालेंगे। जेलर साहब आप यहाँ बैठे हैं? तो कहाँ बैठे? आप कहीं मत बैठिए साहब, वरना ये डुगलू का जानी दोस्त खुदकुशी करके मर जाएगा साहब। मर जाएगा? हाँ। मगर क्यों? क्यों मर जाऊंगा? अरे पानी से पतली दाल और पत्थर जैसे गेहूं से बनी रोटी खाकर कौन जिंदा रहना चाहेगा? तुम लोग चाहोगे? नहीं। तो फिर मैं यहाँ से कूदकर मर जाऊं? हाँ। अरे मैंने तो सोचा था ये लोग मुझे रोकेंगे, ये सब तो मुझे मानने पर तुले हुए हैं। और साला डुंगरुस का बच्चा अभी तक जेलर को लेकर आया क्यों नहीं? ठीक है, तुम लोग तीन तक गिनो, मैं यहां से कूद कर मर जाता हूं। एक दो। ए, हुट, हुट। क्या यार गिनना तक नहीं आता? स्कूल गया कि नहीं? देखो मैं कैसे गिनता हूं। एक 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 दो 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 सवा 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 दो। राजू रुक जा, राजू राजू रुक जा। आए सर, जेलर साहब तुझसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ खुदकुशी करनी है। तुम खुदकुशी करना क्यों चाहते हो? तुम्हें मेरी जेल में क्या प्रॉब्लम है? पेट की प्रॉब्लम है, पेट की। अरे जुल्म की भी हद होती है, खुद तो मटन चिकन खाते हो और हम कैदियों को दाल रोटी देते हो। हम आपकी जेल में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लाए गए हैं, और जो लाया गया बुलाया गया वो मेहमान होता है कि नहीं? हाँ, हाँ, तो बस हमारा डिमांड है हम इज्जतदार कैदियों के लिए खाने का नया मेनू बनाया जाए जिसमें मटन चिकन कुर्ते कपूरे ये सब कुछ हो, और जो जो कैदी व्रत रखते हैं उस दिन उनके लिए फल शल यानी अंगूर शंगूर हो। बोलो हमारा डिमांड मंजूर है या तो मैं यहां से खुदकुशी करता हूं। मैं सिर्फ तीन गिनूंगा, एक दो। साहब जल्दी से आ करिए वरना आपकी नौकरी गई। नहीं नौकरी मेरी नौकरी अभी नहीं, ये कूदेगा तो आपकी नौकरी जाएगी साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ साहब। ये बात पेपर में छपेगी, अपोजिशन वाले को कानून तक पहुंचेगी, उसको उछालेंगे और छोटी सी बात हेडलाइन पे आएगी, सत्ता पलट जाएगी, हुकूमत चेंज जाएगी साहब। जी मैं कह रहा हूँ आपके सीनियर साहब को कुत्ते की तरह मारेंगे, आपकी कुर्सी हिल जाएगी साहब। आप सोचिए। एक दो। ये राजू तीन तक गिनता क्यों नहीं? उसे तीन तक गिनती आती नहीं, आप हाँ बोले ना साहब। भाई मुझे कुछ सोचने का मौका भी दो। सोच इधर क्या मौका ढूंढ रहे हैं आप, जरा सोचिए। अगर ये कूद जाएगा मर जाएगा, आपकी नौकरी जाएगी, ये वर्दी उतर जाएगी, आप दो कौड़ी के हो जाएंगे, जरा सोचिए। आपके बाल बच्चे रोड पर रहेंगे, आपके बच्चे सिग्नल में भीख मांगेंगे, जरा सोचिए। बच्चे आपके शिरडे वाले साय बाबा मेरे बाप ने रोड पे लाया। अरे राजू मुझे तुम्हारी सारी मांगे मंजूर है, तुम जल्दी से नीचे उतर आओ। ठीक है मैं नीचे आता हूँ। अरे जरा संभल के, मेरी नौकरी का सवाल है भाई। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। एनी टाइम, कभी भी आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको अच्छी अच्छी एडवाइस दूंगा। भगवान आपको अच्छा रखे, ये टोपी पहन लो। थैंक यू थैंक यू। ओके बाय बाय। थैंक यू गुरु। चलो किसी तरह बाहर तो निकल गए, मगर गुरु अपन करेंगे क्या? बता तो दिया है कि जाकर कोई नौकरी करेंगे। नौकरी? कौन सी नौकरी बाबा? कोई भी नहीं तो धंधा करेंगे। तेरे को तो मालूम, तेरे को माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाया कि आने जाने वाले को सलाम मारा करते हैं? ये क्या फाइव स्टार होटल है? मुझे क्या फाइव स्टार होटल का गेट कीपर समझ रखा है? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, इसका कसूर नहीं है। क्या है कि जेल के अंदर वो चिकन खा खा के इसको होटल ही समझ लिया है। देख अभी हम लोग जा रहे हैं, वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर मेरे लाल, बड़े साहब को बोल के ये जेल तुड़वा दे। जब राजू नहीं आएगा तो ये जेल काय कू?
और तू यहाँ कायकू। चलो मैं यहाँ कायकू।